हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए चावल से टेस्टी नाश्ता। इसके लिए हमने चावल ले लिया है, उसमें हमने नमक डाला है, लाल मिर्च डाला है, आप ताज़ा चावल भी यूज़ कर सकते हैं, धनिया पाउडर और आधा कटोरी बेसन। चावल हमारा 1.5 कटोरी है। अब इसमें कटी हुई प्याज, मिर्च और धनिया, अब इसमें हम थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल को ऐड करेंगे। इसे हमने भिगा कर रखा था। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा वीडियो में दिखा रहा है आप भी बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। इसमें हमने पानी नहीं डाला है, इसे ऐसे ही मिक्स कीजिएगा। इसे अच्छे से मिला लेना है। तैयार है। हमने कटोरी में थोड़ा पानी ले लिया है, हाथों में पानी लगा लेंगे और इसे आकार देंगे। जैसा हम वीडियो में आकार दे रहे हैं वैसे ही आप भी आकार दीजिएगा इसे। इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और इसे फ्राई करने के लिए तेल में डालेंगे। इसे अच्छी तरह से सुनहरा कलर होते तक के इसे हम तलेंगे। इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। इसे अच्छे से तलेंगे ताकि यह इसमें क्रिस्पीनेस आएगा। यह खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, इसे आप भी बनाइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लगभग पक गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे।
हम इसे मिर्ची की चटनी के साथ सर्व करेंगे। इसे आप भी बनाइएगा। आपको यह रेसिपी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।